हेलो फ्रेंड्स, मैं रज़ी ईमान आपको अपने चैनल गार्डनिंग ऑन रूफटॉप पे एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। आज दोस्तों मैं वीडियो लेके आया हूँ, मेरे कुछ आप सामने देख रहे हो तीन रोज़ प्लांट हैं जिन पे लीव्स नहीं है, कुछ पे भी लीव्स नहीं आई हैं। तो दोस्तों इनमें कुछ दिन पहले मैं इसको डिफोलिएट कर दिया था, सारी की सारी लीव्स जितनी थी मैंने सबको हटा दिया था। तो उसकी वजह ये थी कि इसमें बीमारी लग रही थी दोस्तों, जाले आ गए थे सारे पत्तियों में, जाले आ गए थे छोटे छोटे, उसमें कीड़े भी लग गए थे पत्तियों में। तो गुलाब में ऐसे दोस्तों बीमारी बहुत जल्दी लग जाती है। तो आप देख रहे हो कि डिफॉल्ट करने पत्तियां डिफॉल्ट करने के बाद इसमें लीव्स आ रही है। अब ये मेरा दोस्तों बटन रोज़ है, ये इंग्लिश रोज़ है, ये भी बटन रोज़ है, ठीक है। तो मैंने ऑलमोस्ट सबकी पत्तियां डिफॉल्ट कर दी थी, अब ये धीरे धीरे इसमें पत्तियां आ रही हैं। तो मैं मार्केट गया था कुछ, जब ये ग्रीन नेट लेने गया था दोस्तों, जो मैंने लगा रखा है आज तक, अभी हटाया पानी देने के लिए, तब मैं इसको लेके आया था। तो कल मैंने आपको दिखाया नहीं था, ये पाउडर में है, फंजीसाइड है। तो आज मैं इसको इस स्प्रेयर से इसमें स्प्रे करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी इसमें बीमारी है। आपको दिखा देता हूँ, पत्तियों में वाइट वाइट सा धब्बा देख रहे हो, क्योंकि अभी इसकी सिर्फ पानी के स्प्रे से ये नहीं जाएगा। इसमें फंगस अभी भी बहुत है दोस्तों, पता नहीं आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। इसमें भी फंगस है। तो मैं अब इसको, ये जो मेरा फंजीसाइड है, इसको पानी में से घोल के इस पर स्प्रे करूँगा। तो इसके लिए फंजीसाइड को मैं तो दोस्तों आप ये देख रहे हो मैंने इसे खोल दिया है। तो मैं इसमें से अराउंड एक चम्मच, ये छोटा चम्मच है मेरा, तो एक चम्मच मैं इसमें डाल दूंगा। तो मैंने इसमें एक पूरा चम्मच इसमें डाल दिया है अपना फंजीसाइड। थोड़ा सा गिर गया है, खैर कोई बात नहीं। तो अब आ रही इसकी बंद करने की, इसको बंद करके इसको अच्छे से इसको पहले नहलाते हैं। तो दोस्तों ये हमें जो प्रोसेस है, ये हमें कम से कम हर 3 से 4 दिन पे एक बार करना है, जब तक इसमें पूरी तरह से इसका फंगस ख़त्म ना हो जाए। और इसको मैंने दोस्तों अलग रखा था सारे प्लांट से, क्योंकि अगर ये जो फंगस इस पर लगता है तो ये अदर प्लांट्स को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार ऐसा इसको स्प्रे कर दीजिए ताकि इस पर एक कोटिंग हो जाए, जो फंजीसाइड जो मेरा है इसकी कोटिंग हो जाए इस पर, ठीक। तो इस तरह से इसको स्प्रे कीजिए। इसको आप अच्छे से एक बार, इसके जो तना है दोस्तों तने पे कीजिए, क्योंकि फंगस ज़्यादातर तने पे लगता है गुलाब के। तो अब ये मिट्टी की जो ऊपरी परत है उस पर भी डाल दीजिए एक बार। तो दोस्तों मैंने इसे एक बार अच्छे से नहला दिया है पूरे प्लांट को, तो पत्तियों में से पानी टिकता नहीं दोस्तों। तो ये जो फंजीसाइड मैंने इस पर स्प्रे किया है, तो आप इसको लगभग 3 से 4 दिन पे एक बार स्प्रे कर दीजिए,
तीन चार बार स्प्रे करोगे तो इसका आई होप कि इसका सारा फंगस ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। मैंने इसे अच्छे से स्प्रे कर दिया दोस्तों। इसके साथ दोस्तों मैं एक चीज़ और लेके आया था तो आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो है नाइट्रो प्लस एजी करके रोज़ मिक्स है, तो ये किसी भी फ्लावर प्लांट के लिए आप दे सकते हो। तो मैं इसको बाय करके लाया हूँ, मुझे ये 80 रुपये का मिला है। तो जस्ट इसको अभी गर्मियों का सीज़न आ गया है तो आप तो इसको महीने में एक बार लगभग, ये जो मेरा चम्मच छोटा है आपको दिखाता हूँ, ये छोटा चम्मच है, इस चम्मच में एक चम्मच भर के इसमें आप डाल सकते हो रोज़ में, तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। इसको देखो ये 50 आधा किलो का है, लगभग इसको 81 रुपये रेट लिखा हो लेकिन 80 रुपये का दिया है, और 3 साल तक ये चल जाएगा दोस्तों बहुत जल्दी में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी दोस्तों कि मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मेरे प्लांट जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ये जो रोज़ है ना तो मुझे ये जो बटन रोज़ है ये ज़्यादा पसंद है, ये गुच्छों में खिलता है दोस्तों। तो मुझे जब मैं इसकी सारी पत्तियां डिफोलिएट कर रहा था तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, अब इसमें पत्तियां सारी आ गई हैं, ये अभी तक पॉलिथीन में लगा हुआ है एज इट इज, जब मैं लेके आया था जो ऐसे ही है। तो अब इसको मैं, मेरे पास पॉट है नहीं तो मैं पॉट में शिफ्ट करूँगा, तब तक इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। मेरे हाथ में भी देखो देखो फंगीसाइड लग गया दोस्तों, इसको अच्छे से साबुन से हाथ धुलना चाहिए, इसको बच्चों की पहुँच से दूर रखिए आप। इस पैकेज के पैकेट पर भी वार्निंग लिखी हुई है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। मैंने थोड़ा लेट कर दिया लेकिन देर आए दोस्त आए, मैं बहुत दिन से एक्चुअली जब सोच रहा था कि नेट लेने जाऊंगा तो फंगीसाइड लाऊंगा, तो मेरे प्लांट ख़राब ही हो रहे थे पड़े, लेकिन जो नई पत्तियाँ आ रही हैं उस पर भी फंगस है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। मैं सिर्फ इस पर नॉर्मल पानी का स्प्रे करता था ताकि थोड़ा तो कम हो जाए, तो मुझे रिजल्ट तो मिला था, लेकिन अब जो मैंने इस पर किया है ये जो फंगीसाइड है इसको पूरा कोट हो जाएगा, तो इसके सारे फंगस बहुत हार्डी होता है दोस्तों, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। आप सोच रहे एक बार स्प्रे कर दिया तो फंगस ख़त्म हो गया, नहीं, आपको हर 3 से 4 दिन पर एक बार स्प्रे करना पड़ेगा, 4-5 बार आज भी स्प्रे कर दीजिए वो, तब जाके ये फंगस ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। अगर तब भी आपको पत्तियाँ कहीं मुड़ी हुई या फिर आपको पत्तियों पे वाइट कलर का धब्बा दिखे तो आप फिर से उसको फंगीसाइड से स्प्रे कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा वीडियो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे, एंड अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आइए मुझसे पूछिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मैं आपके लिए रोज़ ऐसी ही वीडियो बना के लाता रहूँगा, तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।